हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज फ्लटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्लटर है क्या। बेसिकली फ्लटर गूगल की एक यूआई टूल किट है, जिसकी हेल्प से आप एप्लीकेशन बना सकते हैं मोबाइल के लिए, वेब के लिए और डेस्कटॉप के लिए फ्रॉम सिंगल कोड बेस। इट मीन्स आप एक बार कोड राइट करने के बाद उस कोड को किसी भी मोबाइल पर, किसी भी वेबसाइट के तौर पर या किसी भी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन के लिए रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लटर की रिक्वायरमेंट समझते हैं कि फ्लटर को आप किस रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपके पास किसी भी क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट आती है कि उसको एक एंड्रॉयड बेस्ड या फिर iOS बेस्ड एप्लीकेशन बनवाना है, तो आपको क्या करना होगा, कोई पर्टिकुलर कोड राइट करना होगा, या फिर आपको कोई वेबसाइट बनानी है अपने क्लाइंट के लिए, तो आपको पीएचपी या फिर जावा जैसी लैंग्वेज को यूज करना होगा, जिसकी हेल्प से आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको कोई डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है, तो आपको जावा या .NET जैसी लैंग्वेज को यूज करना होगा। बट अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, इस केस में आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि उसको एक ऐसी एप्लीकेशन तैयार करनी है जो किसी भी मोबाइल पर, किसी भी वेबसाइट के फॉर्मेट में या कोई डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन के तौर पर आप दिखा सकते हो, तो आपको अलग अलग कोड राइट करना होगा। बट फ्लटर की हेल्प से आप क्या करोगे, एक बार कोड राइट करोगे और उस कोड को आप किसी भी इन्वायरमेंट पे चला सकते हो, ओके। तो ये बेनिफिट होगा फ्लटर का, ओके। अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि फ्लटर को यूज करने के लिए आपको कौन सी लैंग्वेज को यूज करना होगा। फ्लटर को यूज करने के लिए आपको यहाँ पर डार्ट प्रोग्रामिंग को यूज करना होगा। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से आप फ्लटर से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो। इसका हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज आपको एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए आपको जावा या फिर कोटलिन जैसी लैंग्वेज को यूज करना होगा। सेम फ्लटर के अंदर भी जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर कवर करते हैं कि आप फ्लटर के अंदर जब भी कोई कोड राइट करोगे तो उसके लिए किसी पर्टिकुलर आईडीई की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप यहाँ पर इंटेलिजे या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो या फिर वेब स्ट्रोम, इस टाइप के किसी भी आईडीई को यूज कर सकते हैं एंड्रॉइड के एप्लीकेशन या फिर आईओएस या कोई भी एप्लीकेशन आपको बनाना है फ्लटर के अंदर, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं एप्स की। अभी फ्लटर के अंदर काफी सारी एप्स आ चुके हैं मार्केट में, जैसे हम गूगल एड्स की बात करें या फिर ड्रीम इलेवन की बात करें या फिर अलीबाबा की बात करें, तो ये सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है फ्लटर के अंदर। तो आप फ्लटर के अंदर इजीली एक बार कोड राइट करने के बाद उस कोड को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करा सकते हैं, ओके। तो ये कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है फ्लटर के बारे में। इन केस आपको फ्लटर से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप हमारे इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।